ये प्रोजेक्टर सेटअप जो कि HIDs हैं विद हाई बीम असिस्ट जो कि हैलोजन बल्ब हैं, LED DRLs इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल साथ दिए गए हैं और ये बड़ी आला तरीके से ना क्रोम मोल्डिंग्स दी गई हैं। फ्रंट पे क्रोम ग्रिल है और जो फ्रंट कैमरा है वो स्टैंडर्ड आता है जिसकी क्वालिटी अभी हम आपको चेक कराएंगे वीडियो के दौरान। और फ्रंट पे हमें यहाँ पे फॉग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन बल्ब्स हैं। नीचे डुअल थीम में बम्पर दिया गया। कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द कार, तो इंटीरियर में अब आ चुके हैं, अब बात करते हैं इंटीरियर के हवाले से। तो इंटीरियर की अगर बात करें तो फ्रंट ऑफ ऑल हमें ये सेंट्रल कंसोल में डिजिटल डिस्प्ले और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है विद डिजिटल डिस्प्ले, और अभी उसका भी आपको रिव्यू देंगे कि इसकी थ्रो कैसी है। और फ्रंट पे और रेयर पे हमें डिफॉगर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑप्शन है गाड़ी के अंदर कि ब्लूटूथ वगैरह की ऑप्शन है, ऑक्स की ऑप्शन है, उसके अलावा नेविगेशन है मगर नेविगेशन एक्टिवेट करवानी पड़ती है कंपनी से। और उसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास है 6-speed फॉरवर्ड ट्रांसमिशन CVTi जो कि अब इन्होंने 2017 में आई थिंक लॉन्च करवा दी थी। इसके अलावा गाड़ी के अंदर बटन तो काफी है ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स के साथ, मगर काफी ज्यादा बटन ऐसे है कि जिनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी का बटन है, एक जो पावर ब्रेक पावर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास पार्किंग ब्रेक है उसका बटन है और ब्रेक होल्ड का बटन है एक। उसके अलावा अगर आप ब्रेक होल्ड से मुराद ये है कि अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो आप एक जगह ब्रेक होल्ड कर दें तो आपको ब्रेक जब तक इशारा खुलता नहीं है या सिग्नल खुलता नहीं है तब तक ब्रेक आपको प्रेस करके रखनी पड़ेगी, लेकिन इस बटन से वो। उसके अलावा गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है, गाड़ी के अंदर मीडिया मल्टीमीडिया कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं, मगर एक बहुत बड़ी जो खामी है इस गाड़ी की वो ये है कि ग्रैंडी के अंदर हमारे पास पैडल शिफ्टर आते हैं, इसके अंदर कोई पैडल शिफ्टर नहीं है। और जो हमारा स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और साथ हमें इस साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल, उस साइड पे क्रूज कंट्रोल और फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं उसके कंट्रोल्स राइट साइड पे हैं और इधर रेन सेंसिंग वाइपर्स वो नहीं है। और ऊपर देखें तो जो मेन चीज जो उनसी है ना इस गाड़ी की वो ये है सनरूफ, और अभी इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं जो मेन चीज है उसकी यही है सनरूफ। तो उसके अलावा एंड गाड़ी की वीडियो के एंड पे हम थोड़ी सी आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के फ्लोज बताएंगे कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के फ्लोज काफी ज्यादा हैं, मतलब कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास स्टील ओपन पड़ा है, कोई उसके वहाँ पे ग्लूइंग नहीं हुई, गाड़ी के ओपन एजेस हैं, शार्प एजेस हैं स्टील के जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, जिनकी वजह से गाड़ी की मेरे ख्याल से रिकॉल हुई थी क्योंकि बिल्ड क्वालिटी। और अगर सीट्स की बात करते चलें तो सीट्स एज यूजुअल लेदर सीट्स हैं क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेदर सीट्स हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट है। एक और चीज़ बतानी पड़ेगी इसके बारे में कि गाड़ी के अंदर जो सीट्स की कंट्रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल है, मजा नहीं आया। के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक आते हैं, हालांकि कुछ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आते हैं ब्रेक्स ये सीट्स और एक और चीज अगर आप इधर लाएं तो यहाँ पे हमें एक पावर आउटलेट मिल जाती है जो कि 12 वोल्ट और 1.180 वोल्ट पे मैक्सिमम पे वर्क करती है। सेंट्रल कंसोल में हमारे पास TFT है, उसके अलावा हमारे पास AC के वेंट्स के लिए कंट्रोल्स हैं। AC के वेंट्स की तरफ आएँ तो AC के वेंट्स के अंदर 2-way मूवमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल मूवमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे हैजर्ड लाइट्स मौजूद है हमारे पास, उसके अलावा यहाँ पे डिफोगर्स की ऑप्शन है, उसके अलावा AC की ऑप्शन है, उसके अलावा गाड़ी के एयर की कंट्रोल करने की ऑप्शन है कि गाड़ी को आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एयर पर रखना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल एयर भी अंदर अलाउ करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब AC ऑन करके देखते हैं, AC ऑन करके देखते हैं। तो AC की थ्रो की बात करें, थ्रो अच्छी है और आपको बैक पे भी दो AC एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जैसा कि अगर आपको ये दिखाएं ये दो एयर वेंट्स आपको बैक पे मिल जाते हैं और AC की थ्रो काफ़ी अच्छी है जब देखा जाए तो आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अभी तो खैर सर्दियों का मौसम है, हम इसकी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर सकते कूलिंग कैसी है। समर के मौसम में आपको जब अच्छी खासी जून जुलाई में गर्मी होती है उसी टाइम को ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे सकते हैं, बट अब के लिए काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम करते हैं मूव इसकी
glove box की तरफ तो decent size है, not so good, not so bad. Build quality पे आते हैं तो leather use किया गया है इसके dashboard में. और दो airbag मिलते हैं जो कि I think एक अच्छी बात नहीं है कि कम से कम चार बी पिलर्स पे, ए पिलर्स पे भी नहीं चाहिए था कि ये दो एयरबैग्स देते. पैसेंजर के लिए दिया गया है और एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया है. तो सेंटर में हमें हैजर्ड लाइट बटन, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ना ये सिल्वर्ड आउट लाइन यूज़ की गई हैं जो कि ना इंटीरियर को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं. कमिंग टू द की ऑफ द कार, गाड़ी की की के अंदर एक लॉक का बटन है और एक अनलॉक का बटन है. उसके अलावा गाड़ी की ट्रंक रिलीज दिया गया का बटन है. उसके अलावा गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट की ऑप्शन है, कीलेस एंट्री है, स्मार्ट एंट्री नहीं है. उसके अलावा जो मिरर है गाड़ी का वो ऑटो डिमिंग नहीं है, मगर हम मैनुअल तौर पे डिम कर सकते हैं. अब अगर मैं फ्रंट कैमरे की तरफ स्विच करूं तो आप दिखाइएगा कि ये गाड़ी में फ्रंट कैमरा दिया गया है. ये फ्रंट कैमरा है जो quality? आई थिंक ग्रैंडी से अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने ग्रैंडी की क्वालिटी देखी थी वो काफी हद तक इससे अच्छी थी. और अभी मगर इस बात पर भी शुक्र करना चाहिए कि होंडा ने दे दिए, दे तो दी दे दिए. और अब मैं हमजा भाई से कहूंगा कि वो रिवर्स कैमरा लगाएं, रिवर्स कैमरा चेक कराते हैं आपको तो वो, ताकि ये रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है और आपको गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है स्टीयरिंग के मूवमेंट के साथ और अडॉप्टिव नहीं है. गाइडलाइंस है लेकिन अडॉप्टिव नहीं है साथ. और मेरे ख्याल से जब मूवमेंट करेगी ना गाड़ी तब ये साथ साथ मूव करेंगी मे बी. और साउंड टेस्ट की तो अभी नहीं करवा सकते शायद, हमारे पास कोई चीज ब्लूटूथ का वायर नहीं है इसके साथ. तो साथ सेंटर में हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है टू कीप स्टफ लाइक मोबाइल. और सेंटर में एक एसी वो सेंटर में एक हमें कप होल्डर मिलता है. उसके अलावा सेंट्रल आर्मरेस्ट मौजूद है. और अगर सेंटर कंसोल में आते चलें तो यहाँ पे हमें एक इको मोड भी मिल जाता है जो कि काफी हद तक तो नहीं लेकिन स्लाइट डिफरेंस आ जाता है आपकी फ्यूल एवरेज में. फ्यूल क्वालिटी गाड़ी की ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड डोर हैंडल्स हैं, ये आप सारे का सारा क्रोम उसका उतर चुका है, फ्रिल्स देख सकते हैं. और ये गाड़ी कुछ ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 2018 की रजिस्ट्रेशन है. देख के बता सकते हैं कितनी चली हुई है ये गाड़ी? 27,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर चली है. 27,000 किलोमीटर पे इतनी वेयर एंड टियर होना इज नॉट गुड फॉर अ कार जिसपे आपने 28-30 लाख रुपया खर्चा हो. और अगर डिमांड की बात करें तो 28,50,000 रुपीस डिमांड कर रहे हैं. ये गाड़ी इतनी चली हुई है, इतनी वेयर एंड टियर हुई है, उसके बाद भी इतनी ज्यादा प्राइस होल्ड की हुई है गाड़ी ने. बस यही वजह है कि बिग थ्री मोनोपोली चल रही है पाकिस्तान में, सुजुकी, टोयोटा. और उसके बाद कमिंग टू दी स्पीडोमीटर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हमारे पास एक फ्यूल गेज है, उसके अलावा एक हीट गेज है, उसके अलावा आरपीएम मीटर है. और जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो हमारे पास सारा डिजिटल है. हमारे पास जो स्पीड शो कर रहे हैं वो सारा डिजिटल मीटर है, किलोमीटर्स डिजिटल है. काफ़ी हद तक जो कैबिन नॉइस की बात करूँ ना तो काफ़ी हद तक रिड्यूस्ड है, लेकिन जापानीज कार्स वे मच बेटर देन दिस कैबिन नॉइस. कमिंग टू द ड्राइवर्स डोर, जो गाड़ी का ड्राइवर्स डोर है उसके अंदर एक तो हमारे पास साइड मिरर के कंट्रोल हैं, उसके अलावा गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास ट्रंक रिलीज का ऑप्शन मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास चारों विंडोज के कंट्रोल मौजूद हैं. और अगर ऊपर आते चलें तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं. सेंटर में देखें तो कैबिन लाइट्स जो कि एलईडीज नहीं है, फिलामेंट रीडिंग लैंप्स हैं. और यहाँ पे हमें ऊपर सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं. ये मैं आपको थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ सिविक की. ये फ्रिल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि जहाँ पे मेटिंग लाइंस है दो मेटल्स की, वहाँ पे कैसे खुला मेटल है और कोई वेल्डिंग शेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, ना ही प्रॉपर ग्लोइंग हुई. कमिंग टू द बैक सीट्स, तो ये भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं बैक सीट पे, कैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप? इतना ज़्यादा नहीं, पर दूसरी गाड़ियों की नस्बत देखा जाए, जैसे यानी कि आप आ जाते हैं मेहरान वगैरह की नस्बत कंडीशन, हाँ, उससे बेहतर है, उससे बेहतर है. मतलब कि अगर आपने 28 लाख रुपया खर्चा हो तो वो वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है ना, कम्फर्ट फील नहीं हो रहा. सही. और फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे दो ट्विटर्स मिल जाते हैं, चार स्पीकर हैं टोटल जो कि चारों डोर्स पे हैं, और फ्रंट पे दो ट्विटर्स हैं. और अब मैं बैक सीट्स पे मूव करता हूँ और देखते हैं पीछे. बैक सीट्स की तरफ मूव करते चलें तो वही हमें सेम डोर्स हैं, लेदर स्टिच्ड, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है. और ये आप देख सकते हैं सिल्क प्लेट्स लगाई गई हैं जो कि रात में काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन देती हैं. लेदर सीट्स हैं. और अब अंदर बैठ के देखते हैं कि कैसा लेग रूम और हेड रूम दिया गया. अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो गुड,
काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इसके बारे में, यहाँ पे सेंटर्स में हमें दो एयर वेंट्स तो दे दिए गए, लेकिन ये जो बहुत बड़ी सी ट्रांसमिशन टनल है ना, ये आई थिंक थर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं है, लेदर जो सीट के अंदर भी लिफ्ट है, मतलब कि तीसरा बंदा दरमियान में बैठेगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। सेंटर में हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर दो कप होल्डर्स हैं, वो भी लेदर स्टिच्ड है। और बैक पे हेडरूम की बात करूँ ना, तो आप देख सकते हैं हेडरूम ठीक है, मगर अगर 6 फुट का बंदा बैठा हो तो उसका सर लग सकता है। आई एम 5'9" 5'10" तो मैं तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन मे बी 6 फुट। इंजन स्ट्रक्स की तरह मूव करते हैं, तो इंजन की बात करें तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्स नहीं है, हमें वो मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए दिया जगह दी गई है। और ये टर्बो वाली नहीं है, ये 1.8 ओरियल प्रोजमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अब बाकी हमजा भाई आपको बताते हैं इसकी। आई एम लुकिंग फॉर ABS, यहाँ पे ऊपर तो ABS ब्रेक्स नजर नहीं आ रही, मगर गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स हैं, गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स हैं। और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के बारे में जो मैंने आपको अंदर बैठ के बताना था वो ये है कि देखें, आपको ओपन एंड्स मिलेंगे मेटल के, ये क्लोज नहीं किए गए। इंजन की बात करें तो 1.8 लीटर इंजन है जो कि अराउंड 139-140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इस कार के लिए 140 हॉर्स पावर ठीक है, बहुत अच्छी है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो अराउंड 200 मे बी 210 220 की है टॉप स्पीड, 220 आई थिंक ये अचीव नहीं करती होगी। हाँ, अचीव तो जाहिर सी बात नहीं करती, पाकिस्तान का फ्यूल भी कुछ ऐसा है कि वो गाड़ियों को अचीव करने भी नहीं देता उसकी पूरी पावर। बैक ऑफ द कार जो गाड़ी की बैक है उसके अंदर हमारे पास LEDs की एक इंडिकेटर है हमारी बैक के लाइट्स के अंदर, उसके अलावा सारी इंडिकेटर्स इंडिकेटर है गाड़ी की लाइट्स के अंदर, इसके अलावा पार्किंग लाइट इंडिकेटर हैं गाड़ी की बैक लाइट के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई और LEDs लगी हुई हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं वहाँ पे, और ये ब्रेक लाइट्स के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा रियर डिफ्यूजर भी लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर जो कि गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल नहीं आता, और ये गाड़ी 1.8 ओरियल है। कमिंग टू द बूट स्पेस ऑफ द कार, जो बूट स्पेस है हमारे पास जो रेगुलर सैलून कार्स हैं पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं उसी की तरह ही है, काफ़ी स्पेशियस है हमारे पास जो रियर की जगह है। उसके अलावा ये रियर पे जो हमारे पास बूट स्पेस के अंदर लिप आता है, क्योंकि हैवी मटेरियल को लिफ्ट करने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है, मगर दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कार। उसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ द मैट, वी हैव स्पेयर टायर एज वेल एज सम टूल्स फॉर रिप्लेसिंग द स्पेयर टायर, और जो हमारे पास टायर है स्पेयर वो स्टील व्हील है, 16 इंच स्टील रिम है। और एक चीज़ जो मैंने हमजा भाई नोट की वो ये कि आपको ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल कोई इंसुलेशन नहीं। और ये सेम चीज़ आपको फ्रंट बम्पर पे फ्रंट बोनट पे भी मिलती है, जिसकी वजह से उसके अलावा बैक कैमरा इंटीग्रेटेड है, हमारे पास टेल गेट के अंदर ही बैक कैमरा इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा दिस इज द स्विच फॉर लिफ्टिंग अप द बूट स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है। इसी तरह मूव करें तो साइड्स में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा अच्छा स्पोर्टी टच दिया गया है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और डुअल थीम हमें अलॉय रिम्स मिल जाते हैं जो कि 16 इंच के हैं फ्रंट पे, और रेयर पे हमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। टायर साइज की बात करें तो 215/55R16, और साइड्स की तरफ आते चलें तो बॉडी कलर साइड मिरर्स विद LED साइड इंडिकेटर्स, और साथ ही क्रोम पैनलिंग यूज़ किया जो कि आफ्टर मार्केट है। ऊपर एयर प्रेस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, और ये जो नीचे आप क्रोम की पैनल देख रहे हैं ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती, ये इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाया। और ये 1.8 ओरियल प्रोजमेटिक ओरियल वाली है, तो इसके अंदर ये जो क्रोम है ये भी बाद में आफ्टर मार्केट लगवाया गया, क्योंकि ये जो क्रोम पैनल है ये 1.5 टर्बो में प्री इंस्टॉल्ड आता है, 1.8 ओरियल में नहीं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री भी आती है, कीलेस एंट्री का फीचर दिया गया है, वो स्मार्ट एंट्री सिस्टम नहीं है। I hope you like this video. If you like this video, then kindly subscribe to our channels. So and bell icon को भी दबाएं, क्योंकि channel subscribe कर दिया, bell icon नहीं दबाया तो हमजा भाई क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। So guys, ending this video on this note कि आप लोगों को video मज़े की लगी होगी, और do comment the review, और उस गाड़ी का comment करें जिस गाड़ी का review आप चाहते हैं। और अगर आपको लगे कि हमने कहीं पर थोड़ी सी गलती की है तो comment section में बताएँ, ताकि next review में हम उसे भी resolve करें। I hope you like this video. This is Hamza and Hamza signing off. Allah Hafiz.